वेलकम बैक माई डियर किड्स हाउ आर यू टूडे स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर फोर ऑफ आर कंप्यूटर बुक बाय ब्रेन रूट सीरीज द नेम ऑफ आवर बुक इज साइबर क्रिएटर्स पार्ट टू तो चलिए चैप्टर नंबर फोर स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर का नाम है वर्किंग विद एम एस पेंट अब हम एमएस पेंट पर कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर यू विल लर्न इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे हाउ टू स्टार्ट पेंट ड्राइंग शेप्स सेविंग ड्राइंग ओपनिंग अ सेव ड्राइंग टूल्स इन पेंट ब्रशेज इन पेंट क्रिएटिंग अ न्यू ड्राइंग एंड एग्जिस्टिंग फ्रॉम पेंट हम हाँ इन सब चीज़ों के बारे में अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे बिफोर वी बिगिन आइडेंटिफाई दिक्चर्स गिविन बिलो एंड राइट देअर नेम्स नीचे कुछ पिक्चर दी हुई हैं आपको उनको पहचानना है और उनका नाम लिखना है प्रीवियस क्लास में हमने एमएस पेंट के बारे में पढ़ा था और एमएस पेंट्स के टूल्स के बारे में पढ़ा था तो यहाँ पर भी क्या है उन्हीं टूल्स की पिक्चर्स हैं और आपको उनके नाम लिखने हैं तो सबसे पहले क्या पिक्चर है सबसे पहले पेंसिल बनी हुई है तो ये हमारा है टेक्स्ट टूल टी ई एक्स टी टेक्स टी डबलो एल टूल नेक्स्ट ट्राइंगल टूल फिल विद कलर सर्कल टूल एंड दिस वन इज इरेजर एंड द लास्ट वन इज लाइन टूल इस टूल की हेल्प से हम क्या ड्रॉ करते हैं डिफरेंट लाइंस रेस्ट ऑफ द पार्ट यू विल डू बाय योरसेल्फ चिल्ड्रन यू नो दैट कंप्यूटर हैज अ पेंट प्रोग्राम दैट हेल्प टू मेक कलरफुल ड्राइंग यू कैन ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स ऑन अ कंप्यूटर यूजिंग इट लेट्स बिगिन बाय लर्निंग हाउ टू स्टार्ट पेंट जैसा आप जानते हैं कि हम कंप्यूटर में पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं और कलर कर सकते हैं उसके लिए हम कौन सा प्रोग्राम यूज करते हैं हम यूज करते हैं पेंट प्रोग्राम पेंट प्रोग्राम की हेल्प से हम पिक्चर ड्रॉ और कलर करते हैं नाउ आई विल टेल यू हाउ टू स्टार्ट पेंट पेंट को कैसे स्टार्ट करते हैं टू स्टार्ट पेंट फॉलो दी स्टेप हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है सबसे पहले क्या है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन आपकी कंप्यूटर में बॉटम पे कॉर्नर में एक बटन होता है जिसे हम स्टार्ट बटन कहते हैं आपको उस पर क्लिक करना है देन क्लिक ऑन ऑल एप्स बटन उसके बाद आप ऑल एप्स बटन पे क्लिक करेंगे क्लिक ऑन पेंट और उसके बाद आप चूज करेंगे पेंट ऑप्शन देन जैसे आपने पेंट ऑप्शन को चूज किया द पेंट विंडो विल अपियर एज शोन बिलो पेंट का ऑप्शन चूज करते ही आपको इस तरीके की एक पेंट प्रोग्राम की क्या आ जाएगी विंडो अपियर हो जाएगी देखिए उसमें क्या क्या है सबसे ऊपर टाइटल बार देन मेन्यू बार स्लाइड स्टेटस बार ड्राइंग एरिया जहां पर आप क्या करेंगे ड्राइंग करेंगे डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कलर ग्रुप्स में कलर कोड सिलेक्ट करेंगे देन रिबिन दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ पेंट विंडो नाउ वी विल लर्न अबाउट टूल्स इन पेंट पेंट में कौन कौन से टूल्स होते हैं और उनके क्या क्या यूजेस होते हैं

ऑन टेक्स टूल इन द टूल ग्रुप टूल ग्रुप में आप क्या चूज करेंगे टेक्स टूल का ऑप्शन देन क्लिक ऑन द ड्राइंग एरिया वेयर यू वॉन्ट टू एड टेक्स नोटिस डेट द बार एपियर उसके बाद आपको वो ड्राइंग एरिया में वो जगह सिलेक्ट करनी है जहां पर आप क्या करेंगे टेक्स को एड करेंगे सिलेक्ट द फॉन्ट फेस फ्रॉम द सिलेक्ट करना है बोल्ड में करना है इटैलिक में करना है कितने साइज पे करना है आपको उसे स्मॉल चाहिए या फिर बड़ा चाहिए या फिर उससे बड़ा चाहिए ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा सेलेक्ट द कलर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द कलर ग्रुप आपको जो टेक्स्ट लिखना है वो किस कलर में लिखना है सपोज इफ यू वॉन्ट टू राइट इन अ रेड कलर देन चूज रेड कलर फ्राम कलर ग्रुप अदर यू कैन यूज येल्लो ग्रीन देयर आर सो मैनी कलर्स आपको जिस कलर से लिखना है आप कलर ग्रुप में से उस कलर को चूज करेंगे नेक्स्ट नाउ टाइप द टेक्सट आफ्टर यू हैव फिनिश टाइपिंग द टैक्स क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द टैक्स बॉक्स टेक्सट बॉक्स में आप लिखिए जो भी आपको लिखना है जैसे ही आपका लिखा हुआ फिनिश हो जाएगा तो देखिए उसने यहाँ पे क्या लिखा है हेलो एवरी वन तो रेड कलर में टाइप किया सपोज हमें भी यही टाइप करना है तो इसे लिखने के बाद हम ड्राॅइंग एरिया में या टेक्स बॉक्स में कहीं भी क्या करेंगे क्लिक कर देंगे जिससे जो हमने लिखा है वो टाइप हो जाएगा नाउ वी विल लर्न अबाउट कलर पिकर टूल अब हम कलर पिकर टूल के बारे में पढ़ेंगे सी दिस इज द आइकन ऑफ कलर पिकर टूल जहां पर भी ये आइकन है तो वो कौन सा टूल है कलर पिकर टूल द कलर पिकर टूल इज यूज टू कॉपी अ कलर

सबसे पहले क्लिक ऑन द कलर पिकर टूल इन द टूल ग्रुप। टूल ग्रुप में कलर पिकर टूल है जिसे हमें सिलेक्ट करना है क्लिक ऑन द कलर इन योर पिक्चर दैट यू वॉन्ट टू कॉपी द फिल टूल विल बी सिलेक्ट इट्स सेल्फ उसके बाद आपको क्या करना है जो कलर आपको चूज करना है उस पिक्चर में से उसको क्या करेंगे आप सिलेक्ट करेंगे क्लिक ऑन द शेप टू फिल द पिक्ड कलर ऑन इट जैसे आपके पास ये पिक्चर बनी हुई है इसमें कौन सा कलर है रेड कलर तो आप कलर पिकर टूल को यहां पर सिलेक्ट करेंगे और यहां से कलर उठाकर आपको जिस इमेज में करना है वहां पर आप क्या करेंगे उसको क्लिक करेंगे तो देखिए ये शेप भी रेड कलर की है और ये शेप भी रेड कलर की हो गई नाउ वी विल लर्न अबाउट मैग्नीफायर टूल मैग्नीफायर टूल क्या होता है मैग्नीफाई मतलब किसी छोटी चीज को बड़ा करना मैग्नीफाई करना आपने देखा होगा साइंटिस्ट यूज करते हैं मैग्नीफायर का जिसमें छोटी सी चीज को बड़ा करके हम देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं इसका यूज कैसे किया जाता है द मैग्नीफायर टूल इज यूज टू मेक अ ड्राइंग लुक बिगर ये जो हमने ड्राॅइंग बनाई है उसका लुक बिगर मतलब बड़ा करना टू मैग्नीफाई द इमेज फॉलो दिस स्टेप क्लिक ऑन द मैग्नीफायर टूल इन द टूल ग्रुप मैग्नीफायर टूल कहाँ मिलेगा आपको टूल ग्रुप में सबसे पहले आप उस पर क्लिक करेंगे देन क्लिक ऑन द पार्ट ऑफ द ड्राइंग यू वॉन्ट टू मैग्नीफाई अब आपको ड्राॅइंग के उस पार्ट को क्या करना है क्लिक करना है जिसे आप क्या करना चाहते हैं मैग्नीफाई करना चाहते हैं द ड्राइंग बिकम्स बिगर इन द साइज और क्या होगा आपकी छोटी सी बनाई हुई ड्राइंग साइज में क्या हो जाएगी बिगर हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफायर टूल नाउ टाइम टू डू वन एक्टिविटी रीअरेंज द जम्बल लेटर्स टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड आपको कुछ लेटर्स दिए हुए हैं आपको उसको क्या करना है रीअरेंज करना है जिससे वो क्या बने कोई मीनिंगफुल वर्ड बने तो सबसे पहला है टी एन आई ए पी क्या बन सकता है ये तो हम सबसे पहले सोचेंगे हमारे लेसन का नाम क्या है हमारे लेसन का नाम है वर्किंग विथ पेंट तो ये क्या वर्ड बनेगा पेंट पी ए आई एन T paint the next one is S L double O T क्या बन सकता है बताइए सोचिए I know आप समझ जाएंगे yes you are right paint में क्या होते हैं tools तो ये बनेगा T double O L S tools next two you will do by yourself now we will learn about drawing shapes डिफरेंट शेप्स को बनाने के लिए डिफरेंट टूल्स का यूज करेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलीगॉन टूल के बारे में पॉलीगॉन टूल का आइकन इस तरह का होता है तो इसके लिए भी हमें कुछ स्टेप फॉलो करने हैं सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पॉलीगॉन टूल का यूज किस लिए किया जाता है द पॉलीगॉन टूल इज यूज टू ड्रॉ अ शेप विद एनी नंबर ऑफ साइड टू ड्रॉ अ पॉलीगॉन फॉलो दिस स्टेप पॉलीगॉन टूल का यूज क्या ड्रॉ करने के लिए किया जाता है शेप्स कौन सी शेप जिनकी बहुत सारी क्या हो साइड्स हो देखिए यहां पर एक शेप बनी हुई है हम काउंट करते हैं उसकी कितनी साइड्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो आपने देखा यहां पर एक शेप बनी हुई है जिसकी क्या है एट साइड्स हैं तो इन्होंने ये शेप कैसे बनाई चलिए मैं आपको बताती हूं क्लिक ऑन द पॉलीगॉन टूल इन द टूल ग्रुप पॉलीगॉन टूल भी आपको कहाँ मिलेगा टूल ग्रुप्स में मिलेगा सिलेक्ट द कलर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द कलर ग्रुप उसके बाद देखिए यहां से उसने पॉलीगॉन टूल को यूज किया उसके बाद आपको अपनी पसंद का कोई सा भी एक कलर चूज करना है उसने कौन सा कलर चूज किया ब्लैक कलर देन लेफ्ट क्लिक एंड drag द माउस टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन उसके बाद आपको लेफ्ट क्लिक करना है और drag करना है माउस को किस लिए? straight लाइन एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए सॉरी एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आफ्टर देन क्लिक ईच पॉइंट वेयर यू want एडिशनल साइट टू appear. उसके बाद आप हर एक पॉइंट को क्या करेंगे क्लिक करेंगे एडिशनल साइट एपियर करने के लिए देखिए पहले उसने एक लाइन की उसके बाद उसने इस लाइन को क्या किया क्लिक किया तो एक और लाइन ड्रॉ होगी कनेक्ट द लास्ट लाइन टू द फर्स्ट लाइन टू फिनिश ड्राइंग द पॉलीगॉन एंड क्लोज द शेप इस लाइन का एंड यहां आया यहां से उसने एक लाइन ड्रॉ करी देन अगेन अगेन सो एंड सो जब आपकी सारी लाइंस फिनिश हो जाए तो आप स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को क्या करेंगे कनेक्ट करेंगे जिससे आपको क्या मिले एक प्रॉपर शेप मिल जाए और आपकी क्या हो जाएगी पॉलीगॉन टूल का यूज फिनिश हो जाएगा आप अपनी पसंद से कोई सी भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं जितनी मर्जी साइड की विद द हेल्प ऑफ पॉलीगॉन टूल नाउ आई विल टेल यू वन एक्स्ट्रा बाई यू कैन फिनिश ड्राइंग द पॉलीगोन एंड क्लोज द शेप बाई डबल आप डबल क्लिकिंग से भी अपनी ड्रॉइंग को फिनिश कर सकते हैं या फिर पॉलीगोन को क्लोज कर सकते हैं नाउ आई विल टेल यू वट इज द यूज ऑफ करव टूल कर् टूल का क्या यूज होता है की से हम कर्व लाइन स्मूथ या फिर वेवी लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं चलिए अब उसके स्टेप पढ़ते हैं क्लिक ऑन द कर्व टूल इन द टूल ग्रुप कर्व टूल भी कहाँ है टूल ग्रुप में सबसे पहले हमें उसे सिलेक्ट करना है देन सिलेक्ट द कलर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम कलर ग्रुप फिर हम कलर ग्रुप में से अपनी पसंद का कलर चूज करेंगे इसने दोबारा से कौन सा कलर यूज किया ब्लैक आप अपनी पसंद से अपना कोई सा भी फेवरेट कलर चूज कर सकते हैं देन लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू ड्रॉ अ लाइन सेम वही स्टेप हमने रिपीट किया किस लिए किया था हमने ये स्टेप पहले पॉलीगॉन के लिए Again, left click Click and and drag drag the 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 mouse mouse to to draw a line. Line a line. line on get curve. क्लिक करेंगे किस लिए टू गेट कर्व को लेने के लिए आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी माउस की हेल्प से आप इसने आपने फिर उसको यहां पे क्लिक किया कहीं भी आप क्लिक कर दीजिए तो वो क्या होगी लाइन इस तरीके से कर्व में आ जाएगी नाउ अगेन आई विल अ कर्व कैन बी ओनली टू टाइम्स कर्व हमेशा दो बार ही मॉडिफाई हो सकता है दो से ज्यादा बार नहीं कर सकते हम उसे लर्न अबाउट ब्रशेस अब हम ब्रशेस के बारे में पढ़ेंगे अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं तो हमें ब्रश तो चाहिए ही होगा किस लिए चाहिए होगा कलरिंग के लिए चलिए अब हम पेंट में ब्रशेस का कैसे यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं द ब्रश टूल इज यूज टू ड्रॉ लाइन विद डिफरेंट लुक्स एंड इफेक्ट ब्रशेस टूल का यूज हम किस लिए करते हैं हम करते हैं डिफरेंट लाइंस को ड्रॉ करने के लिए कैसे डिफरेंट इफेक्ट्स और लुक्स के साथ टू यूज ब्रशेज एंड पेंट फॉलो दिस स्टेप फिर हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है चलिए फॉलो करते हैं क्लिक ऑन ब्रशेस टूल तो आप किस पे क्लिक करेंगे ब्रशेस टूल पे सिलेक्ट द ब्रश यू वॉन्ट टू चूज उसके बाद बहुत सारे ब्रश ओपन होके आएंगे आपको अपनी पसंद का एक ब्रश चूज करना है लेक्ट द कलर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम कलर ग्रुप आप कलर ग्रुप में से अपनी पसंद का कलर चूज करेंगे अभी तक ब्लैक कलर चूज था लेकिन अब कौन सा कलर आ गया ग्रीन कलर माई फेवरेट कलर विच इज योर फेवरेट कलर आप सब अपनी टीचर को अपना फेवरेट कलर बताएंगे नाउ प्रेस एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस टू ड्रॉ अगेन सेम स्टेप टू बी फॉलो आप माउस को होल्ड करेंगे लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करेंगे ड्रैग करेंगे किस लिए टू ड्रॉ ड्रॉ करने के लिए देखिए उसने कैसे ड्रॉ किया ग्रीन कलर का एक ट्री ड्रॉ करा विद द हेल्प ऑफ ब्रश टूल नाउ सेविंग आर ड्रॉइंग को कैसे सेव करते हैं हमने पेंट में ड्रॉइंग बनाई लेकिन अब हमें अपनी ड्राइंग को सेव करना है ताकि हम उसे बाद में भी देख सकें इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट टू सेव योर ड्राइंग आफ्टर फिनिशिंग द वर्क सो डैट यू कैन ओपन इट फॉर लेटर यूज बहुत जरूरी है कि आपने जो भी काम किया या जो भी ड्राइंग बनाई उसको सेव करना ताकि बाद में जब हमें उसकी जरूरत हो तो हम उसे यूज कर सकें तो इसको सेव करने के भी क्या होते हैं कुछ स्टेप्स होते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है क्लिक ऑन द फाइल टैब सबसे पहले आप फाइल टैब पर क्लिक करेंगे क्लिक ऑन सेव एज ऑप्शन एंड चूज जे पी ई जी पिक्चर उसके बाद आप सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपको चूज करना है जे पी ई जी पिक्चर नेक्स्ट टू सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर टाइप द नेम ऑफ योर फाइल इन फाइल बॉक्स जैसे ही आपने क्या चूज किया जे पी जी पिक्चर को चूज किया एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें आप अपनी ड्राॅइंग का नाम देंगे सपोज यू हैव मेड पिक्चर ऑफ नेचर आप नेचर ड्राॅइंग दे देंगे कार्टून ड्राॅइंग देंगे जो भी आपको नाम उसको देना है आफ्टर देन क्लिक ऑन सेव बटन और लास्ट में आप क्लिक करेंगे सेव बटन पे जिससे आपकी ड्राइंग क्या होगी सेव हो जाएगी नाउ आई विल टेल यू वन एक्स्ट्रा बाइट इफ यू मेक चेंजेस टू योर ड्राइंग आफ्टर सेविंग देन क्लिक ऑन द प्लाइल टैप एंड सिलेक्ट द सेव ऑप्शन सपोज आपने अपनी कोई फाइल या कोई भी पिक्चर सेव कर ली लेकिन आपको अब उसमें क्या करना है कुछ चेंजेस करने हैं आप कैसे चेंजेस करेंगे आप सबसे पहले क्लिक करेंगे फाइल टैब पर और क्या सिलेक्ट करेंगे सेव ऑप्शन और जो चेंजेस आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं नाउ आई विल टेल यू हाउ टू क्रिएट अ न्यू ड्राइंग एक नई ड्राइंग हम कैसे क्रिएट करते हैं टू क्रिएट अ न्यू ड्राइंग फॉलो दिस स्टेप इसके लिए भी हमें कुछ स्टेप पर फॉलो करना है क्लिक ऑन फाइल टैब। आप किस पे क्लिक करेंगे फाइल टैब पर क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन आप फाइल टैब में किस ऑप्शन को चूज करेंगे न्यू ऑप्शन को अब ब्लैंक ड्राइंग एरिया अपीयर्स। और जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे एक ब्लैंक ड्राइंग एरिया ओपन होके आ जाएगा नाउ आई विल गिव यू वन हॉट प्रेस द कंट्रोल प्लस एन कीज़ टू क्रिएट अ न्यू ड्राइंग अगर आप इन सब स्टेप्स को फॉलो नहीं करना चाहते तो आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ आपके कीबोर्ड में कंट्रोल की होती है कंट्रोल और एन की को एक साथ प्रेस करेंगे तो भी नई ड्राइंग एरिया ओपन हो जाएगा आपके लिए नाउ आई विल टेल यू हाउ टू ओपन अव ड्राइंग अब मैं आपको बताऊंगी जो ड्राइंग आपने कंप्यूटर में सेव्ड कर रखी है उसे आप कैसे ओपन करेंगे टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फॉलो दिस स्टेप क्लिक ऑन द फाइल टैब किस पे क्लिक करेंगे आप फाइल टैब पे क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शन और उसके बाद आप क्या चूज करेंगे ओपन ऑप्शन को द ओपन डायलॉग बॉक्स एपी आर सिलेक्ट द फाइल नेम और जैसे ही आपने ओपन बटन पे क्लिक किया एक बॉक्स खुल के आएगा जिसमें बहुत सारी फाइल्स के नाम लिखे होंगे आप अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे क्लिक ऑन ओपन बटन और ओपन बटन पे क्लिक करते ही आपकी फाइल ओपन हो जाएगी नाउ आई विल गिव यू वन मोर हॉट टिप प्रेस द कंट्रोल प्लस ओ की टू ओपन एन एग्जिस्टिंग ड्राइंग अगर आप एग्जिस्टिंग ड्राइंग को जल्दी ओपन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे आप शॉर्टकट की यूज करेंगे शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ओ आप कंट्रोल और ओ की को एक साथ प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पर नाउ एग्जिस्टिंग पेंट पेंट से बाहर कैसे आते हैं उसके लिए भी हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो चलिए बताते हैं आपको स्टेप टू क्लोज अ पेंट प्रोग्राम फॉलो दिस स्टेप क्लिक ऑन फाइल टैब फिर से हमें फाइल टैब पर क्लिक करना है और सबसे लास्ट में ऑप्शन आएगा एग्जिट का आप जैसे ही एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप पेंट प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे वन मोर हॉट टिप फॉर यू प्रेस ऑल्ट प्लस F4 फोर की टू एग्जिट फ्रॉम पेंट प्रोग्राम पेंट प्रोग्राम से बाहर आने के लिए आप ऑल्ट प्लस एफ फोर की को प्रेस करिए अपने की बोर्ड पर और आप पेंट विंडो से एग्जिट हो जाएंगे नंबर थ्री इफ योर फाइल इज नॉट अ पेंट डायलॉग बॉक्स एफ आस्किंग यू वेदर यू वॉन्ट टू सेव द ड्राइंग और नॉट अगर आप अपने पेंट विंडोज से एग्जिट हो रहे हैं लेकिन आपने अपनी ड्राइंग को सेव नहीं किया है तो क्या होगा आपके सामने एक पेंट डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा इस तरीके का और वो आपसे पूछेगा डू यू वॉन्ट टू सेव क्या आप अपने वर्क को सेव करना चाहते हैं इफ यू वॉन्ट टू सेव जस्ट क्लिक ऑन सेव इफ यू डोंट वॉन्ट टू सेव क्लिक ऑन डोंट सेव तो आपको देखो कितना अच्छा ऑप्शन मिला आपने काम किया आप भूल गए उसे सेव करना और आप पेंट विंडो से एग्जिट होना चाहते हैं लेकिन वो आपको क्या देगा वार्निंग देगा पूछेगा आपसे कि क्या आप अपने वर्क को सेव करना चाहते हैं या नहीं चाहते नाउ आई विल टेल यू कंप्यूटर मैनर कीप सी डीज एंड डीवीडी प्रॉपरली इन देयर केसेस और इन सी डी एंड डीवीडी फोल्डर इफ यू हैंडल केयरलेसली दे मे गेट डैमेज एंड यू मे लूज द स्टोर डाटा अपने सी डीज और डीवीडी प्रॉपर फोल्डर में या उनके प्रॉपर केस में रखिए अगर आप उनको कहीं भी रख देंगे तो वो डैमेज हो जाएगी और आपका जो भी वर्क CDs या डी में सेव्ड है वो क्या होगा खराब हो जाएगा और आपको नुकसान होगा तो चलिए एक बार जल्दी से अपना चैप्टर रिवाइंड करते हैं टूल इज यूज टू टाइप टेक्स्ट इन ड्राइंग अगर आपको ड्राइंग में कोई टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए आप टेक्स टूल का यूज करेंगे द कलर पिकर टूल इज यूज टू कॉपी अ कलर फ्रॉम वन एरिया ऑफ अ पिक्चर टू अनदर एरिया द मैग्नीफायर टूल इज यूज टू मेक अ ड्राॅइंग लुक्स बिगर आपकी ड्राॅइंग को और बड़ा दिखाने के लिए मैग्नीफायर टूल का यूज़ किया जाता है द पॉलीगॉन टूल इज यूज टू ड्रॉ अ शेप विद एनी नंबर ऑफ साइड्स द करव टूल इज यूज टू ड्रा कर्व लाइन और स्मूथ वेवी लाइन्स अगर आपको स्मूथ वेवी लाइन या करव लाइन्स बनानी है उसके लिए आप कर्व टूल को यूज करेंगे द ब्रश टूल इज यूज टू ड्रॉ विद डिफरेंट लुक्स एंड इफेक्ट ब्रशेज टूल का यूज हम डिफरेंट लाइन्स को ड्रॉ करने के लिए करते हैं जिनमें क्या हो डिफरेंट लुक्स हो और डिफरेंट इफेक्ट्स हो तो बच्चों इस चैप्टर में हमने पेंट प्रोग्राम के बारे में बहुत चीजें पढ़ी कैसे डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ किया जाता है कैसे अपनी ड्राइंग को हम सेव कर सकते हैं ओपन कर सकते हैं और पेंट विंडो से एग्जिट हो सकते हैं तो चलिए आप कुछ एक्सरसाइज करके देखते हैं आपने क्या सीखा द द फर्स्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी टिक द करेक्ट ऑप्शन नंबर वन टूल इज प्रेजेंट इन डैश ग्रुप टेक्स टूल कहां पर होता है कौन से ग्रुप में होता है इमेज कलर टूल्स या शेप टेक्स टूल होता है टूल्स ग्रुप में द नेक्स्ट वन वेन बी यूज द कलर पिकर टूल डैश टूल विल बी सिलेक्ट इट्सल्फ हम जब भी कलर पिकर टूल को यूज करते हैं तो कौन सा टूल अपने आप सिलेक्ट हो जाता है तो नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन फिल टूल अपने आप सिलेक्ट हो जाता है द नेक्स्ट वन यू कैन फिनिश ड्राइंग द पॉलीगॉन एंड क्लोज द शेप बाय डैश तो बच्चों जब आपने अपनी ड्राइंग फिनिश की आपको पॉलीगॉन को क्लोज करना है तो आप कैसे करेंगे सिंगल क्लिकिंग से लेफ्ट क्लिकिंग से डबल क्लिकिंग से या नन ऑफिस से तो हम डबल क्लिकिंग से उसको क्लोज करेंगे नंबर फोर प्रेस द डैश की टू एग्जिट फ्रॉम पेंट विंडो बच्चों अगर आप पेंट विंडो से एग्जिट होना चाहते हैं बाहर आना चाहते हैं तो आप कौन सी कीज को प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस एफ फोर कंट्रोल प्लस एफ फोर या खाली एफ फोर की एंड द लास्ट ऑप्शन इज शिफ्ट प्लस एफ फोर देंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल्ट प्लस एफ फोर नाउ एक्सरसाइज बी फिल इन द ब्लैंक नंबर वन द डैश टूल इज यूज्ड टू मेक अ ड्राइंग लुक्स बिगर

नंबर थ्री एंड नंबर फोर यू विल डू बाय योरसेल्फ. नाउ एक्सरसाइज सी राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट के लिए आप टी लिखेंगे और गलत स्टेटमेंट के लिए आप एफ लिखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं द टेक्स टूल इज यूज टू टाइप टेक्स्ट इन ड्राॅइंग एरिया ये दिस स्टेटमेंट इज ट्रू

आंसर देने हैं तो चलिए पढ़ते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं नंबर वन वट इज़ द यूज ऑफ टेक्स टूल टेक्स टूल का क्या यूज होता है टेक्स टूल इज यूज टू राइट टेक्स इन द ड्राइंग नेक्स्ट वन वाई इज मैग्नीफायर टूल यूज मैग्नीफायर टूल का यूज़ किस लिए किया जाता है नेक्स्ट वन वट इज द यूज ऑफ ब्रश टूल ब्रश टूल का क्या यूज़ होता है एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वाई डू वी यूज करव टूल इन एम एस पेंट हम एम एस पेंट में कर्व टूल को क्यों यूज़ करते हैं स्टूडेंट अगेन यू विल रीड योर चैप्टर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आप इन क्वेश्चन के आंसर खुद देंगे अपने चैप्टर को अच्छे से पढ़कर सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू हैव लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye bye.